हेलो नमस्ते। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल हराल्ड केस। तो इसमें क्या है कि इसमें जो ये क्या तरह घोटाला हुआ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये क्या है कि 1937 में ये कंपनी का एक कंपनी बनाई गई थी AGL, और उसके ओनर थे नेहरू। तो AGL कंपनी का काम तो क्या था, एक न्यूज़पेपर छापना, और न्यूज़पेपर का नाम था नेशनल हराल्ड। अब ये चल रहा था कैसे, तो अभी चल रहा था, और जिसमें 5,000 लोग है ना, ये फ्रीडम फाइटर लोग है ना, इसमें शेयर होल्डर थे। अब ये न्यूज़पेपर कैसे तो भी चल रहा था, फिर 2008 में लोगों ने छापना पेपर छापना बंद कर दिया, और जो भी एम्प्लॉयज थे सब जने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले गए। ये ऑलमोस्ट कंपनी 2008 में बंद ही हो गई। अब ये 1938 से 2008 तक इन लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, कम से कम 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली आज के ज़माने में। फिर बाद में क्या हुआ, जब ये क्लोज हो गई कंपनी, अब ये क्लोज हुए कंपनी जो थी AGL, इसके ऊपर 90 करोड़ का लोन था। अभी 90 करोड़ का लोन जो था इनको चुकाना था। तो इधर एंट्री होती है राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की। इन लोगों ने क्या किया, एक कंपनी बनाई जिसको बोलते हैं यंग इंडिया, क्योंकि राहुल गांधी ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के हैं और वो एक यंग लीडर है कांग्रेस के। तो लोगों ने ना यंग इंडिया नाम रखा उन लोगों ने, और लोगों ने क्या थे उसके शेयर होल्डर में ना माताजी भी थी सोनिया गांधी, और राहुल बाबा भी थे। दोनों जन ने कंपनी शुरू की, और फिर बाद में पार्टी का पैसा जो था, पार्टी का पैसा इज नथिंग बट टैक्स पेयर का पैसा, इन लोगों ने उसमें से खजाने में से निकाल 90 करोड़ निकाल के यंग इंडिया को दिया, और यंग इंडिया से उन लोगों ने ऑलमोस्ट यंग इंडिया के थ्रू ही उन लोगों ने AGL को दे दिया। AGL ने 90 करोड़ चुका दिया और उनके पूरा का पूरा लोन चुकता हो गया, अब फ्री हो गए वो। फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया, फिर इन लोगों ने दिमाग लगा क्या करे, और लोगों ने एक कलकत्ते की एक कंपनी थी वहाँ से, जो ऐसी कंपनी थी वो जो है ना इन लोग ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक है ना, ऐसे पैसे को करते थे इन लोग। तो ऐसी कंपनी से इन लोगों ने 50 लाख रुपए लिया, और 50 लाख में इन लोगों ने AGL की प्रॉपर्टी जो है खरीद लिया, जबकि AGL कंपनी के पास 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। 50 लाख में लोगों ने 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास आ गई। यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी का को डाउट हुआ कि कैसे 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद ली करके। तो यहाँ पे अभी के सुब्रमण्यम क्या स्वामी ने केस डाल दिया। तो केस डाल दिया तो ईडी से पूछताछ शुरू हो गई। अब ईडी से को जवाब नहीं दे सकते, इसलिए लोगों ने क्या किया, राहुल बाबा और सोनिया माता ने जाके ना सुबह हाईकोर्ट में चले गए, केस डाल दिए। हाई कोर्ट ने इनको फटकार मारी, बोला चलो बताओ ईडी को कैसे तुमने ना पैसे जमा किया, कैसे खरीदा करके, केस रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में डर के मारे लोग बाद में ना सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार मारी, चलो बताओ ईडी से कैसे, ईडी को बताओ सब कैसे कैसे लोग तुम लोगों ने पैसे का अरेंजमेंट किया। तब ना इनका इन लोगों ने दो चाल चली और दोनों चाल फेल हो गई। फिर लोगों ने सत्याग्रह का है ना एक ड्रामा खेला। अब सत्याग्रह में जो लोग आए थे उनको यही नहीं पता कि वो किस लिए आए यहाँ पर करके, सब कंफ्यूज थे, कंफ्यूज नहीं वो घूमने के लिए आए थे, तो है ना उनको पता ही नहीं था। वहाँ पे भी उनकी चाल फेल हो गई। अब इनको ईडी से अब इन लोग कहीं नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सत्याग्रह भी कर दिया। अब इनको बताना है कि वो पैसा इन लोगों ने 90 करोड़ की जो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है AGL के पास, उनको तुमने 50 लाख में कैसे खरीदा, और कहाँ है इनकम कैसे, इनकम टैक्स के पेपर? तो इनकम टैक्स के पेपर लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। कैसे लोग ने ने 90 करोड़ दिया AGL को, उसके ना उसके भी ना डॉक्यूमेंटेशन और उनके इसके बारे में बता नहीं रहे कि कैसे लोग ने ना 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 90 करोड़ दिया और फिर बाद में 50 लाख में खरीद लिया। तो यहाँ पे लोग फंस गए। अब इनको प्रॉब्लम क्या है, अगर सच बता देते हैं तो शायद इनको जेल नहीं होंगी और एक हैवी फाइन देना पड़ेगा, और शायद रिहा भी हो जाएंगे लोग।
पर अगर सच बताते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ जाएगा और फिर बाद में माफिया लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ दोनों तरफ से लोग फंस गए हैं। तो दोनों तरफ से फंसने की वजह से ना कुछ वो बता नहीं पा रहे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा नहीं रहे, बस यहाँ से वहाँ भाग रहे। राहुल बाबा तो बेचारे है ना, चाइना की तरफ जाते थे, अच्छे से जैकेट मिलते थे, गाड़ियाँ मिलती थी, घूमने को मिलता था। किसान आंदोलन में तो हम तुम्हारे साथ करके पीछे में हेलीकॉप्टर से बैठ के एक पार्टी में चले जाए पार्टी मनाने चले जाते थे, विदेश विदेश के अच्छे घूमने को मिलता था। अब बेचारे फंस गए इधर। अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दिखा के एंजॉय करना चाहिए था यहाँ चाइना में जाके विदेशों में, पर अभी यहाँ फंस गए दिखाने। और माता जी भी कुछ बता नहीं रही है कि पैसा कहाँ से लेके आई है और कैसे है ना उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा करके। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर राहुल बाबा और सोनिया माता के जो जो ने खेल खेला है इंडिया के साथ, वो ये ना खेल दिया है ना, कैसे खेला वो बता दिया तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो छोड़ ये ईडी तो छोड़ने वाली नहीं है इनको, इनको बताना ही पड़ेगा सच। और ये कहीं भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जो पैसा 90 करोड़ दिया वो जनता का पैसा था। ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को है ना कमर्शियल में यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ इन लोगों के थोड़ा क्राइम हुआ है ये तो। बता दिए तो अच्छा हो जाएगा और जल्दी से छूट भी जाएंगे इन लोग, पर बता नहीं रहे हैं। तो अभी 2012 में केस हुआ था, 2014 में पहली बार बुलाया और 2014 से 22 चल रहा है। इनको ईडी के चक्कर काटते रहेंगे जब तक इन लोग सच नहीं बताएंगे, क्योंकि 3 जगह पे लोग गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सत्याग्रह, तीनों इन लोगों की फेल हो गया है। अभी लोग जो पैसा है, पैसे का अरेंजमेंट कैसे इतना अच्छा ना, इतना अच्छा कैसे खेला इन लोगों ने, कैसे लोगों को चूतिया बनाया, कैसे गवर्नमेंट को चूतिया बनाया, इन लोगों ने ये बता दिया ना तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ से बचना मुश्किल है, इतना तो समझ लेना चाहिए इन लोगों ने। कोई नहीं बचा उनके हाथ से, तो है ना वो बता दिए तो अच्छा हो जाएगा। चलो इतना ही बताना था कि हमारे यंग लीडर जो कांग्रेस के यंग लीडर है, वो कैसे लोगों ने ना कैसे खेला है, और माता जी ने कैसे खेला है वो ये सारा गेम, वो अभी समझ में आ ही जाएंगे जब ईडी से पूरी ईडी इनके बारे में पता कर लेंगी। चलो बाय, इतना ही बताना था, मेरे पास इतनी जानकारी है। चलो बाय।